चैलेंज कहा चैलेंज दिवाओगे मेरे पे, राम राम सत्य हो जाए काम इनकी, काम सुल पिसाप है इनकी, दोनों पार्टी में ऐसा करें, ये भी आदमी खट कर ले मैं भी कर लूं। कुर्सी टूट गई सटे तो फट टेंट गहलो तेने कहा करो हस भाई लाला बीज तो बूणाम कसर रही ना, सुन ले मेरी बात। अब भाई मुर्गी तो जान सी गई परसों के ही मैंने, अब मुर्गी जान सी गई मुल्ला जी सवाद नहारो तो मुर्गी तो जान सी गई, सुन ले मेरी बात तू। अब मुर्गी भाई तुम ये बात जिंदगी करण डोल रहो तो बात बताओ, धीरे टेंट पढ़ाओ तुम वो खूब पतो तिहारी टेंट कला तुम कोई बात ना पास आज, ये की सवाल टेंट कैसे फटो टेंट कैसे टूट गो इंगल कैसे उपड़गा, जहाँ हमारे जैसे क्रांतिकारी मैदान में हुआ और क्रांतिकारी मैदान में जब उतरेंगे और जो उतरा पड़ा है मुझे पता है टेंट की हिम्मत है कि टेंट बच जाए, टेंट एकदम हवा से उड़ा दिया गोली पार ना हो हमारे सीना में जल्दी सी, टेंट का हाओ खा टेंट रुक जाए हिम। अब टेंट फटरो गुंडान को सुन ली मेरी बात था, ये गुंडान को टेंट कोई आदमी को टेंट हो तो ना फटतो, उपड़ गए इंगल फिंगल से रेटा जमीन पर तो कोई है ना आदमी, आसमान उड़ा पांच साल तक लोहे को लोहा काटता है लोहे को लोहा तोड़ता है, इनसे अल्लाह ताला ना बीजेपी बचेगी ना कांग्रेस बचेगी। और गहलोत साहब तू बोलता है ना, मैं नु कह रहा हूँ इनकी भाषा मार दूंगा इन सबन में, जो भाषा से ये बयान करते हैं जिस भाषा से बात करते हैं उसी भाषा से मारूंगा, जैसे हथियार की इनकी जरूरत है ना इनने उसी हथियार को काम लूंगा इनसे अल्लाह ताला इनके लिए। बीजेपी है कांग्रेस है ये घरों में ढूंढ के लाते हैं लोगों को, इनके चमचे घूर के घूमते हैं, वो जाते हैं घर 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 घर, वो जाकर क्या करते हैं भाई चलिए एक मीटिंग है साहब सुंदर आ रही है सब फलाना आ रहा सब गहलोत आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आदमी लड़ना, और मैं अगर एक बार अनाउंसमेंट ये कर दूंगा ना हमारे बैरिस्टर साहब फलाजी के आ रहे हैं, आपका बेटा आपका पुत्र किसान पुत्र अताउल्लाह खान का ये निवेदन है कि आप सब नौजवान लोग फला जगह पहुँचें और पहुँचने कर वहाँ पर सम्मान को बढ़ाएं इनसे अल्लाह ताला, मुझे गर्व है अल्लाह ने चाहिए तो इनसे अल्लाह ताला बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के आदमी एक तरफ रहेंगे और मेरे आदमी एक तरफ रहेंगे, असद साहब जिस दिन आएगा जिस दिन राम राम सत्य कर देंगे, राम राम जपना पराया माल अपना, इनका इलाज हो जाएगा और इन लोगों को यहाँ से विदा कर देंगे, इनको यहाँ पे छुटकारा हो चुका है अब। और साहब लगातार गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, किस तरीके से पार्टी का समर्थन लोगों को प्यार मिल रहा है? जितना भी लीडर दौरों कर रहा है ना तम कहीं टूटी टांग का पूछ लो कोई लीडर नु तो कैसे नागमोल ना मिल रहा समर्थन, सटेट आदमी कहेंगे बाबा ढे मिल रहा, मैं नु कह रहा हूँ जितना भी आदमी खड़ा है समर्थन पूछ लो तुम कहाँ समर्थन है ये आप बता देंगे तमन, समर्थन में कोई रोड़ो ना सुन ले मेरी बात, कोई गाना सा गावे पहले मेरी बात ही ना ओनू कहवा कुर्सी टूट गई सटे तो फट टेंट गहलोत तेने कहाँ करो हस भाई लाला बीज तो बूणा में कसर रही ना, सुन ले मेरी बात। अब भाई मुर्गी तो जान सी गई परसों के ही मैंने, अब मुर्गी जान सी गई मुल्ला जी सवाद नहारो तो मुर्गी तो जान सी गई, सुन ले मेरी बात तू। अब मुर्गी भाई तम ये बात जिंदगी करण डोल रहो तो बात बताओ, धीरे टेंट पढ़ाओ तुम वो खूब पतो तिहारी टेंट कला तुम कोई बात ना पास आज, ये की सवाल टेंट कैसे फटो टेंट कैसे टूट गो इंगल कैसे उपड़गा, जहाँ हमारे जैसे क्रांतिकारी मैदान में हुआ और क्रांतिकारी मैदान में जब उतरेंगा और जो उतरा पड़ा है मुझे पता है टेंट की हिम्मत है कि टेंट बच जाए, टेंट एकदम हवा से उड़ा दिया गोली पार ना हो हमारे सीना में जल्दी सी, टेंट का हाओ खा टेंट रुक जाए हिम। लोग कह रहे हैं कि किसी कारणवश प्रियंका का कोई प्रोग्राम था इसलिए टेंट को प्रियंका का प्रोग्राम या इस बिगड़ रहा प्रियंका का प्रोग्राम, बहुत जोर की बात कह रहा कहाँ सुना रहा गुल्लान रजी ढेर ढेल गिन प्रियंका प्रियंका यार अपने कहाना उनको अपना आप देख लिया सिस्टम में। अच्छा अशोक गहलोत जी जैसे नहीं आ रहे हैं यहाँ पे क्या लगता है क्या सियासी पर पहले तो पाम में लग गई जब पहले तारीख ली आने कहा हुए हुए वो अशोक गहलोत यहाँ क्यों नहीं आए हैं, मंत्री की कमी है या फिर अशोक गहलोत ने कोई बहाना लगाया? देखो ऐसा है कामा विधानसभा गहलोत की औकात कहा है कामा विधानसभा अच्छा अच्छा हीरो नहारा, सुन ले मेरी बात, और कामा विधानसभा में जो मंत्री का जो सफल पूर्व काम रहा है ना वहाँ से बेहद लोग बाग खुश हुए पड़ा, अब जहाँ इतनी खुशी को माहौल उन गहलोत आके कहा करेगा मंत्री आप संभाल ले मंत्री उसके दीवन है, अगर मंत्री तू ही संभाल तू ही गहलोत है उन तो पूरा पावर दे रखा है पाँच साल तक, कोई जेल में जाओ कोई रेल में जाओ कोई मुल्ला बंद हो जाए कोई मौली बंद हो जाए, दुआ की दरूद की जरूरत नहीं ना है इन फटी चरण से यहाँ पैसा अब पैसा इनका धाखा हुआ ना तो मैं खूब पता इज्जत और सम्मान की बात होनी चाहिए सरेटी, अब इन्हें ना तो घर परिवार की चिंता है ना अपने आस औलाद की चिंता है, फिर मैं वही बात कह दूं मोबाइल ऐसे पहले तोड़ोगे ना फिर तभी मोबाइल बबराओ बीच में ईद कल इश्तिहार हो
फिर ये टॉपिक बनावा बात बात तो मैंने कह रहा हूँ इनने तो मामला खराब हो गो। और मैंने आज तो महीना दो महीना पहले की ही बात कि या परिवार को चल रहा है अब ऐसे हसर हो गए जो सब हो रहा है अब टेंट फट रहा गुंडान को सुन ले मेरी बात तम ये गुंडान को टेंट कोई आदमी टेंट हो तो ना फट तो उपड़ गई इंगल फिंगर से रेटा जमीन पर तो कोई है ना आदमी आसमान उड़ा पाँच साल तक ही अब आसमान उड़ेगा तो आदमी देखो धरातल पर जब आएगा आदमी तो फिर तो गड़बड़ तो होगी। क्या लगता है कि आपका टिकट पक्का है उस पार्टी से? अभी मेरे टिकट की ना पत्ता मन पक्को कई और ने मांगो टिकट तिहारा का इस पूछी का इनतम नहीं अभी जमीन पे है कोई आदमी जो नु कह रहा हूं मैं टिकट मांग रहा हूं या बता दूं पहले तुम लोग कह रहे हैं कि उसको टिकट नहीं मिलेगा पार्टी से इतना आसान लोग तो नु कहेंगे धेरा तौल लग मौत होएगी ये भी कोई लोगन की बात मानेगी का लोग तो झगड़ा का कह देंगे टिकट मेरे को नु कह अब ऐसो मैं पार्टी कार्य करता हूं मुंह पर घणी केड़ी नरम बात तो मत कहवाओ ये तो कोई वक्त ही बताएगा टिकट की जब टोड़ी बात कहीं होएगी या कोई बात ना होएगी वो तो समय शर्त रहेगा और वह समय को जवाब जनता देगी ही समझ गए मेरी बात। अगर यहाँ कोई मामला कोई गड़बड़ हुआ या कोई बात है तो जनता देगी जवाब जनता को मेरे तो बहुत बात नंबर आएगा वह पहले तो जनता अपना कपड़ा गुस्सा माप फाड़ लेगी जनता बटन तोड़ देगी धैर्य जाना ताउ लग नू पतों पड़ेगा ताउ चुनाव ना लड़ रो जनता कपड़ा ने फाड़ देगी माँ से चाप जाएगी अपना जनता इतना फेवरेट आदमी मेरा हीन इतना मेरा हीन प्रभाव है मेरे इलाके में ओवैस हिसाब से जो प्रभावित लोग हैं ओवैस हिसाब के जो फेवरेट लोग हैं ना वो लोग उतना ही फेवरेट मेरा भी हैं इंशाल्लाह ताला। अभी तक मैं भी ओवैस साहब के दिशा निर्देश पर काम कर रहा हूँ यहाँ पे। जिस दिन से आप मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए अभी तक आपसे कितने लोग जुड़े लगभग? जिस दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ पार्टी के लिए लोगों की बात बताऊँगा जिस दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं उस दिन से मेहनत कर रहा हूँ जिस दिन से ओवैस साहब ने यहाँ पर कदम रखा है आई समझ में बात। ओवैस साहब ने जब से घोषणा की है नहीं मैं भी हो सके किसी और पार्टी की ज्वाइन कर सकती जहाँ आदमी लीडरिंग में रहने बात कहीं कहीं तो अपना बिल खोदना पड़े ना ओवैसी की जैसे ही पार्टी आई तुरंत मैदान में आया मैदान में आते ही नुकनी सुलाए तो मिलो हमने बढ़िया वालों 47 दिन जेल को जेल में गया जेल में इसलिए गया हम कि जेल में जो कांग्रेस पार्टी की नेता है उसको हमारा ये पता लग गया था अताउल्ला साहब ने बीजेपी का आदमी रहा है अब और न 13 आदमी रहा है अताउल्ला साहब हो गया न्यूट्रल और मेरी होगी परकैच मैं दिख रहा था ओवैसी ओवैसी मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ दिल की बात मेरी जब ओवैसी के मंच पर मैं चला गया तुरंत मेरे खिलाफ जुनेद नासिर हत्याकांड का होना हुआ ओवैसी का आना हुआ तुरंत फाइल को रिगड़ा गया है और फाइल को निर्दोष तरीके से रिगड़ गए जबकि उस दिन मैं कोर्ट में था तारीख पर था सर्टिफाई की नकल मैंने एविडेंस में दी है और फिर भी ओवैसी के मंच पर जाने की वजह से मुझे 50-45 दिन जेल में काटने पड़े और उसके काटने के बाद फिर मैदान में आया लेकिन मैं मेरी स्टाइल में आया था कामा जब मैं बंद हुआ था तो मैं मेरी स्टाइल से आया था 100-200 से गाड़ी सीएम के लिए भी नहीं जाती हैं मैं 100-200-300 से गाड़ियों से तो मेरा लश्कर आया था यहाँ पर जब मैं आया था तो मैं वजूद रखता हूँ मेरी औकात है यहाँ पर मेरी जनता मेरा सम्मान करती है जनता घमंड में मन माज जैसी बात बोल देता हूँ चाहे सरकार हो चाहे भ्रष्ट कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो चाहे कोई और हो मुझे घमंड भी है ना मेरा आदमी का है मेरे क्षेत्रवासियों का है मेरे गरीबों का है मेरे दलितों का है मेरे मजलूमों का है ये गरीब और दलित और मजलूम और जो मेरे साथी हैं जो मुल्ला और मौलवी ये पढ़े लिखे आलिम लोग हैं ये इनसे अल्लाह ताला जहाँ जिस पटरी पे लग जाते हैं ना वो पटरी कहीं रिपटने वाली नहीं है इनसे अल्लाह ताला झुंडान में से आवाज़ जाके निकलने लग जाए ना जंगल से आवाज़ निकलने लग जाता है उस आदमी का हराने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं है इनसे अल्लाह ताला कोई आवाज़ किसे कहते हैं झंडे पता है आप जंगल में खड़े हो यहाँ पर ना तो रोड दिखा दे और वो आधे घंटा और खड़ा रह लेने 5-7 में इकट्ठे हो जाएंगे अताउल्ला खान मेरा नाम है अताउल्ला खान खड़ा है जहाँ मैं खड़ा मिल जाता हूँ वहाँ मोटरसाइकिल लेने लग जाती है अब आपने आप दिया जीता जागता सबूत है ये जीता जागता सबूत है रात हो रही है और रात में आपने रोड पर मिलाऊंगा आपको और आपको पता है अताउल्ला खड़ा है या कितने लोग आ गए कितनी मोटरसाइकिल लेने लग रही है गाड़ी खड़ी मेरी अच्छा। लाइट भी जुड़ रहा है गाड़ी का मेरी गाड़ी भी ऐसी है लाइट ना बैटरी डाउन ना हो अल्लाह से हाथ अभी नुकर बैटरी डाउन हो जाए मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए सुरान रात जुड़ रहा है अंदर बैटरी डाउन हो गई ना अच्छा अताउल्ला हो सियासत की बैटरी डाउन हो जाए सियासत की बैटरी हमारी अभी तक हुई ना मैंने तो टेंट ही फट दो टेंट अब सियासत कौन डाउन हुई तेरे सामने प्रमाण पत्र तो है अब प्रमाण पत्र आप देखो और मेरा जो गाँव गाँव का दौरा है ना वो डेली का सुबह से जाता हूँ शाम को आता हूँ गांव गांव जाता हूँ घर घर जाता हूँ नौजवानों से मिलता हूँ हर जगह जाता हूँ तो मेरा जो सिस्टम है इंशाल्लाह ताला मेरी वायरिंग की कनेक्टिविटी लोगों के दिलों से हो गई और लोगों से मैं टच हो गया लोग मुझे प्यार और सम्मान देने लग गए इंशाल्लाह ताला लोग जो और अदरवाइज पार्टियाँ हैं बीजेपी है कांग्रेस है
ये घरों में ढूंढ ढूंढ के लाते हैं लोगों को, इनके चमचे गुर के घूमते हैं, वो जाते हैं घर, वो जाकर क्या करते हैं भाई, चलिए ये मीटिंग है, साहब असुंदर आ रही है, सब फलाना आ रहा, सब गहलोत आ रहा है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लाना। और मैं अगर एक बार अनाउंसमेंट ये कर दूंगा ना, हमारे बैरिस्टर साहब फलाजी के आ रहे हैं, आपका बेटा आपका पुत्र किसान पुत्र अताउल्ला खान का ये निवेदन है कि आप सब नौजवान लोग फला जगह पहुँचें और पहुँचने कर वहाँ पर सम्मान को बढ़ाएँ इंशाल्लाह ताला। मुझे गर्व है अल्लाह ने चाहे तो इंशाल्लाह ताला बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के आदमी एक तरफ रहेंगे और मेरे आदमी एक तरफ रहेंगे। असद साहब जिस दिन आएगा, जिस दिन राम राम सत्य कर देंगे, राम राम जपना पराया माल अपना, इनका इलाज हो जाएगा और इन लोगों को यहाँ से विदा कर देंगे, इनको यहाँ पे छुटकारा हो चुका है। अब लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा तोड़ता है, इंशाल्लाह ताला ना बीजेपी बचेगी ना कांग्रेस बचेगी। और गहलोत साहब मैं नुकह रहा हूँ, इनकी भाषा मार दूंगा, इन सबन में जो भाषा से ये बयान करते हैं, जिस भाषा से बात करते हैं उसी भाषा से मारूंगा, जैसे हथियार की इनकी जरूरत है ना इनने, उसी हथियार को काम लूंगा इंशाल्लाह ताला इनके लिए। और अब मैं चैलेंज कहा चैलेंज दिवाओगे मेरे पे, राम राम सत्य हो जाए काम इनकी, काम असुल बिसाप है इनकी, दोनों पार्टी इनमें ऐसे करें, ये भी आदमी खट कर ले, मैं भी कर लूं, जान मेरा आदमी आज प्रदेश अध्यक्ष जमील अहमद आए, जान मेरा प्रदेश अध्यक्ष आएगा और दोनों पार्टी इनके इनके वसुंधरा राजे बुला ले बोल, जो इनको लीडर है, मेरा आदमी ज्यादा इकट्ठे होंगे कि इनके ज्यादा हों, बोल चैलेंज है मेरा। मैं प्रभारी जमील अहमद साहब को बुलवाऊंगा, वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान को बुलवाऊंगा, कन्वीनरों को बुलवाऊंगा, जावेद अहमद साहब आएंगे, कादिर जुबेरी साहब आएंगे और हमारे अकील साहब जो हैं पार्टी की, उनके पास जो है सदस्यता वगैरह नहीं है, उन्होंने अपने आईएएस वो थे अधिकारी उन पद को छोड़ करके लोगों की मिल्लत की खिदमत में वो आ गए हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम बुलवाएंगे। देखो वो रुक गया बेचारा, तो हम जहाँ खड़े होते हैं इंशाअल्लाह ताला जो रुकता है वो रुक जाता है। आइए आइए आप आइए प्लीज आज, तो बात इस चीज़ की है कि इंशाअल्लाह ताला सारी पार्टी इनके चश्मा से चढ़ रहा, तांगा चले पहले और तांगा में घोड़ी रह गई, घोड़ा के नकाब लगा देवे हिन्नू, और जब रोड रोड दिखे हुआ है, जब रोड रोड दिखे तो वह हरा भरा इलाका तो दिखे नहीं है, अब इनके लग पड़ो इन कानन का के कुछ और, आंखन का के कुछ और, आंखन में इन दिख रही हरी ही हरी, इन सूखो ना दिख रो धरातल पे यहाँ ना, इनको इलाज तो हो ढंग सू अल्लाह से। अब रही बीजेपी तेरी बारी, बीजेपी तू 70,000 ले ले, चाहे 75,000 ले ले, चाहे तू 80 ले ले, अताउल्ला तो टोटल 1,10,000 तक वोट लेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम चुनाव जीतेंगे। ये मेरी आवाज नहीं है, ये कामा विधानसभा के नौजवान की आवाज है इंशाअल्लाह ताला, छोटे छोटे बच्चे नमाज में जो दुआ कर रहे हैं उनकी आवाज है, मौलाना है दुआ कर रहे हैं उनकी आवाज है, असद साहब जो न्यायिक बात करने का इरादा रखते हैं, जो कौम मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं, उसका इरादा उसकी नाक को ये मेवात कटने नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला, उसके इज्जत और सम्मान को सर पे रख के भेजेगी अल्लाह ने चाहा तो। इतनी बात को कह के अपनी बात को विराम दो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, ठीक है।